तो दोस्तों सबसे पहले आप प्रूफ देख सकते हैं, मुझे 95,000 रुपये तक का लोन का अप्रूवल मिल चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखे आए 95,000, 95,000 रुपये तक का मुझे लोन का अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें कि देखो कम से कम मैं यहाँ पे 10,000 रुपये का लोन ले सकता हूँ। मिनिमम से मिनिमम मैं 10,000 का लोन ले सकता हूँ और मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं 95,000 तक का लोन ले सकता हूँ। और जो मेरा इस पर इंटरेस्ट लगने वाला है वो यहाँ पे दिखा गया 8% मेरा मंथली इंटरेस्ट लगने वाला है। दिखा गया इंटरेस्ट रेट 8% का इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। और मैं 95,000 रुपये का लोन लेने के बाद इसकी अगर आप EMI की बात करें तो टोटल मैं 12 EMI बना सकता हूँ। दिखाया गया मंथ टू पे मैं इसके 12 EMI बना सकता हूँ और 12 महीने मुझे इसको टोटल पेमेंट करना होगा। मैं 12 EMI बना सकता हूँ आसानी से। और देखो यहाँ पे दिखा से अगर मैं 95,000 रुपये का लोन लेता हूँ और इसकी जो 12 EMI मुझे यहाँ बनाने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद जो मेरे 12 महीने का जो टोटल इंटरेस्ट लगने वाला है वो यहाँ पे दिखा गया 7,600 रुपये टोटल इंटरेस्ट लगने वाला है। 12 महीने मेरे लोन के अमाउंट पर टोटल इंटरेस्ट इतना लगे 7,600 रुपये और टोटल मुझे पेमेंट करना 1,02,000 रुपये का। देख सकते हैं जैसे अगर मैं 95,000 का लोन लूंगा तो टोटल मुझे 12 महीने में पेमेंट करना 1,02,600 रुपये का। और दोस्तों इस लोन को लेने के लिए नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई नाउ, मुझे इस ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे मैं इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा तुरंत के तुरंत मेरा लोन अप्लाई हो जाएगा, उसके बाद ये पैसा मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये लोन सिर्फ मुझे आधार कार्ड और पैन कार्ड दो ही डॉक्यूमेंट के ऊपर दिया जा रहा है। और दोस्तों अगर आप भी लोन लेना चाहते हो तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, आप इससे बड़े अमाउंट का लोन ले सकते हो आसानी से, सिर्फ आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड दो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले कौन सा एप्लीकेशन जिससे मुझे लोन का अप्रूवल मिल चुका है। तो यार इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना और ध्यान समझना, अगर आप लोन लेना चाहते हो तो 10 मिनट का टाइम निकाल इस वीडियो को पूरा देखना। अब मैं आपको बताया था कौन से एप्लीकेशन मुझे लोन का अप्रूवल आया हुआ है, उससे आपको लोन कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बताने वाले वही एप्लीकेशन जिससे कि मुझे आप लोन का अप्रूवल आया हुआ था। अब आप पूछोगे दोस्तों इस एप्लीकेशन नाम क्या है, तो फिलहाल मैंने इसका नाम है बुलर करके रखा हुआ है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो को पूरा देखते नहीं है, सबसे पहले एप्लीकेशन नाम जान लेते हैं और एप्लीकेशन खुद ही डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट लोन अप्लाई करने चले जाते हैं, तो उनका लोन यहाँ पर तुरंत रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनको सही तरीका पता नहीं होता लोन अप्लाई करने का। फिर मुझे कमेंट करते हैं आप फेक वीडियो बनाते हो, हमें लोन नहीं मिलता है, इसलिए इस बार मैंने इस एप्लीकेशन नाम है बुलर कर दिया। आपको क्या करना है, सिर्फ 10 मिनट का टाइम निकाल लेना और उस वीडियो को शांत दिमाग से देखना है। जो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, उसी तरीके से आपको लोन को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, इसका नाम मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा, पूरा वीडियो देखो तो आपको इसका नाम पता चल जाएगा, मैं आपको बीच में इसका नाम बता दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसके बाद आपके सामने ओपन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। मैंने ओपन वाले ऑप्शन में क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं, देखो मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर डायरेक्टली एक ही बार में ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर डायरेक्टली एक ही बार में ओपन हो चुका है। लेकिन अगर आपने इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम पर अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है तो सबसे पहले आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है, तो आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपके सामने OTP डाल के लॉग इन कर लेना है, आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपके सामने इस तरीके का होम पेज ओपन होगा सेम टू सेम। अब इसमें आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलता है कैश लोन, ये ऑप्शन है, कैश लोन का मतलब है ये लोन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाता है। और अगर आप इसमें अमाउंट की बात करें तो देखो मिनिमम आपको 5,000 तक का लोन मिल सकता है, मैक्सिमम आपको 1,00,000 तक का मिल सकता है। आपको कितना मिलेगा आपके सिविल स्कोर और क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। और अगर आप EMI की बात करें तो आप 3 महीने से लेकर 12 महीने तक आप EMI बना पाओ जो भी आपको लोन मिलेगा। अब आपको लोन अप्लाई करना है, तो नीचे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई नाउ का, आपको इस पर क्लिक कर देना सिंपली। मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब मेरे हर एक स्टेप को ध्यान से देखना, तभी आपको लोन का अप्रूवल मिलेगा। आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है हाउ मच डू यू नीड, अभी पूछ रहा है आप कितने अमाउंट का लोन लेना चाहते हो। जैसे कि देखो मिनिमम आप 5,000 का लोन अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम आप 1,00,000 तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। तो मैं अपनी तरफ से आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर आप पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम लोन का अमाउंट अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं एक ही बार में डायरेक्ट 50,000 का लोन अप्लाई कर देते हैं तो उनका लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कम लोन अप्लाई करना है, जब एक बार आपको लोन मिल जाए उसके बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं है। फिलहाल आपको कम से कम अमाउंट का लोन अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है। तो मैं इस बार मैं अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे 31,000 रुपये का। जैसे देखो मैं आप सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे 31,000 रुपये का लोन अप्लाई करना है, यहाँ पे 31,000 लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लिया। इस तरीके से आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपके सामने आप EMI कितने महीने की बनाना चाहते हो। जैसे देखो आप 3 महीने की EMI बना सकते हो, 6 की बना सकते हो या 12 महीने की EMI बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं 12 महीने की EMI बना सकता हूँ, 12 महीने की EMI बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको 12 मंथ पर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको दिखा देगा मेरे मंथली EMI बनने वाले 3,226 रुपये की। जैसे देखो अगर मैं 31,000 का लोन लेता हूँ 12 महीने के लिए तो मेरे मंथली EMI बनने वाले 3,226 रुपये की। और जो मेरा मंथली इंटरेस्ट लगने वाला है वो मेरा 2.4% का इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। सारी चीज़ें यहीं पर क्लियर कर दिया, आगे चले कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब आपको लोन अप्लाई करना है, तो नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने ये पेज ओपन हो जाए, आप पूछेगा लोन पर्पज, अब पूछ रहा है आप लोन किस लिए लेना चाह रहे हो। अब आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, तो आपको अब एक पर्पज सेलेक्ट कर देना, आपको कैसी इमरजेंसी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद पूछेगा मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल है तो सिंगल को सेलेक्ट करेंगे, अगर आपकी शादी हो गई तो मैरिड को सेलेक्ट करेंगे। मैं सिंगल हूँ तो मैंने सिंगल को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद
क्वेश्चन पूछेगा लेवल ऑफ एजुकेशन, आपकी पढ़ाई कितनी, आप टेंथ में पढ़ते हो, टेंथ पास कर ली, ट्वेल्थ में पढ़ते हो, या जो भी आपकी डिग्री एजुकेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद पूछेगा देख सकते हाउसिंग टाइप, जैसे कि देखो अभी के टाइम पर आप जिस घर में रहती हो वो घर अगर आपने खुद अपना पैसा कमा के अपना अलग घर बनवाया तो आप सेल्फ ओनेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, अगर आप किराए के घर में रहते हो तो आप रेंटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, अगर आप मम्मी पापा के साथ पेरेंट्स वाले घर में रहते हो पेरेंट्स के साथ तो आप पेरेंट्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, अगर आप किसी की रिश्तेदारी में रहते हो तो आप रिलेटिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। चारों ऑप्शन से तो आपको सही जानकारी यहाँ पे देनी है। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद पूछेगा डू यू हैव ए जॉब, क्या अभी के टाइम पर आपके पास जॉब है, जैसे आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जो है अभी के टाइम पर वो आपको सेलेक्ट कर देना। अगर आप इनमें से कोई भी है फिर भी आपको लोन मिल जाए, कोई टेंशन नहीं है, तो सिंपली आपको सेलेक्ट करना है। मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया अपने हिसाब से। उसके बाद आपके सामने आएगा व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, जैसे पूछ रहा है रेगुलर एम्प्लॉय, कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉय, फ्रीलांसर हो, तो मैं रेगुलर हूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद पूछेगा लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग, आप जो काम कर रहे हो आप कितने सालों से कर रहे हो, आपको कितना एक्सपीरियंस है, एक साल, दो साल, तीन साल, जो काम आप कर रहे हो पैसा कमाने के लिए वो आप कितने सालों से कर रहे हो, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, आपको अपने हिसाब से कर लेना। उसके बाद आपके सामने आएगा व्हाट इज योर नेम ऑफ कंपनी, जैसे देखो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उस कंपनी का नेम डाल देना है, या फिर अगर आप किसी दुकान पर काम करते हो तो उस दुकान का नेम डाल देना है, या फिर अगर आपकी कोई दुकान है, कोई शॉप है, या फिर आपको कोई वैसा काम है, कोई फैक्ट्री में काम करते हो तो आप उसका भी नाम डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आपको अपने हिसाब से नाम डाल देना है। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, जैसे देखो अगर आप किसी फैक्ट्री में भी काम नहीं करते हो, किसी कंपनी में काम नहीं करते, किसी दुकान पर नहीं काम करते, आप अपने घर का ही खेती बाड़ी वगैरह घर का काम करते हो, तो सिंपल यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आप अपना ही नाम डाल देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आप अपना नाम डाल दिया, इस तरीके से अपना भी नाम डाल सकते हो, अगर आप कहीं पर काम नहीं करते तो आप अपना नाम डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आगे देख सकते हैं इन व्हाट फील्ड इंडस्ट्री डू यू वर्क, अभी पूछ रहा है आप जो काम करते हो आप किस फील्ड में करते हो, आपका कैसा काम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना, बहुत सारे यहाँ पर फील्ड आ रहे हैं तो आपको सेलेक्ट करना अपने हिसाब से, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब पूछेगा व्हाट इज योर जॉब, अभी पूछ रहा है आपने जो फील्ड में आप काम करते हो उसमें आप मैनेजर हो, बॉस हो, सेल्समैन हो, आप कौन हो, वर्कर हो, वो आपको सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद ये पूछेगा हाउ मच एवरेज योर मंथली इनकम, मैं पूछ रहा है पर मंथ की आपकी सैलरी कितनी है, पर मंथ कितना पैसा कमाते हो, तो यहाँ पर आपको मंथली सैलरी डालनी है। तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक देना चाहूँगा, अगर आपको लोन की अर्जेंट जरूरत है, आप लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक लगानी है। अब ट्रिक क्या लगानी है, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर आप 10,000 मंथली कमाते हैं सैलरी डालते हैं, 12,000 मंथली कमाते हैं 12,000 डालते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको क्या करना है यहाँ पर मंथली सैलरी पूछ रहा है तो कम से कम आपको मिनिमम 20,000 रुपये और 25,000 रुपये आपको मंथली सैलरी डालनी है। उससे कंपनी को क्या लगेगा, जो कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करेगी उसको क्या लगेगा कि अगर आप ज़्यादा पैसा कमाते हो तो आप ईएमआई टाइम से भर पाओगे, इसलिए यहाँ पर आपको मंथली सैलरी ज़्यादा डालनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं 20,000 डाल देता हूँ, इस तरीके से आपको मंथली सैलरी यहाँ पर डाल देनी अपने हिसाब से। उसके नीचे बॉक्स वाला इसको टिक कर देना है, मैंने टिक कर दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने आएगा व्हेन डू यू रिसीव योर इनकम डेट, अभी पूछ रहा है आपकी सैलरी आपको किस डेट को मिलती है, कैलेंडर में जितनी डेट होती है सारी डेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिस डेट को आपको सैलरी मिलती है वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, तो अपने हिसाब से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब पूछेगा देख सकते हैं रिसीव योर इनकम टाइप, आपकी सैलरी आपको कैसे रिसीव होती है, बैंक अकाउंट में सैलरी मिलती है, फिर चेक मिलता है या कैश मिलता है, आपकी सैलरी का जो पैसा है कैसे मिलता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, तो मैंने अपने हिसाब से इसको कर दिया। अब आपके सामने आएगा विच लैंग्वेज डू परफेक्ट, आपके लिए कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा परफेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नाडा, बहुत सारी लैंग्वेज आ रही हैं, जिस लैंग्वेज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, मैं इंग्लिश में ज़्यादा ठीक ठाक हूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अभी आपसे पूछेगा एक्सपीरियंस लोन बिफोर, क्या भी पूछेगा कि आपको पहले भी लोन का एक्सपीरियंस, अगर आपको पहले ऑनलाइन लोन मिल चुका है अगर आपने मोबाइल फोन तो आप यस करेंगे, अगर अभी तक आपको किसी एप्लीकेशन से लोन नहीं मिला उस कंडीशन में आपको नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना, तो मैं नो को सेलेक्ट कर दिया क्योंकि मैंने आज तक किसी से लोन नहीं लिया है। उसके बाद आपके सामने आगे देख सकते हैं आपके यहाँ पे एक ईमेल आईडी को दे देना वेरीफाई वगैरह करने के लिए, मैंने एक ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर दिया, इस तरीके से आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी है अच्छे तरीके से, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को डाल दिया, इस तरीके से मेरी ईमेल आईडी यहाँ वेरीफाई हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, देखो जो भी आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल किया है आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म बन चुका है, अब आपको लोन अप्लाई करना है, तो नीचे ऑप्शन आपको दिखा दिया फाइनल ऑप्शन एलिवेट माई लोन, ये ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके लोन की एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में चली जाएगी, उसके बाद आपको 2 मिनट का वेट कर लेना, आपके सिविल स्कोर चेक किया जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा, उसके आधार पर आप जितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे उतना अमाउंट आपको होम पे पर शो कर देगा, अगर आप जितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे उतना लोन आपको दिखा देगा, उसके बाद सिर्फ आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करके आप लोन के पैसे को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपका लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लिए दूसरे एप्लीकेशन सजेस्ट करूँगा, मैं आपको लोन दिलाने में पूरी हेल्प करूँगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।